में फोक सॉन्ग या सिंगिंग के प्रति आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसे जागा? आईनेक्स मैंने पढ़ा कि वो फोक सॉन्ग कंपटीशन है और इंटीरियर फोक सॉन्ग्स गाने, तो ये तो मुझे बचपन से रटे हुए थे गाने, और मैं अपने क्लास में भी गाना गा के डांस सिखाती थी लड़कियों को, पर डांस को तवज्जो मिली, फोक सॉन्ग को इतनी नहीं मिली, पर लोग कहते थे हाँ बहुत अच्छा आपने डांस सिखाया। और कभी कभी अपने लायंस क्लब और रोटरी में भी गाने का मौका मिला तो लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि अरे आप आगे क्यों नहीं बढ़ती हैं, तो मुझे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मालूम था। और आईनेक्स का पढ़ा तो मैंने कभी शीशे में शक्ल देख के ये नहीं सोचा कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे लगा अभी तो मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। तो आईनेक्स मुझे एक जरिया मिला और मैं बिना किसी हिचक के वहाँ पहुँच गई कि भाई मेरी इतनी एज है और अब मुझे गाना ज़रूर गाना है। मतलब आपका सिंगिंग में इंटरेस्ट था लेकिन फोक सॉन्ग में इंटरेस्ट था आपका? बचपन से फोक सॉन्ग में ही इंटरेस्ट था, इसलिए मेरे पापा ने मुझे क्लासिकल भी सिखाया कि गला अच्छा रहे और ये आगे बढ़ सके भजन में इसमें। पर मेरा फोक सॉन्ग में इतना है कि अगर ट्रेन में भी कोई लेडी मुझे मिल जाती है किसी भी प्रोविंस की तो मैं उसे कहती हूँ कोई गाना सुना, और वो सुनाती है और मुझे वो गाना याद हो जाता है। अच्छा, सिंगिंग के लिए आप अभी कोई प्रैक्टिस करती हैं या सिंगिंग के लिए टाइम कैसे निकालती हैं आप? जब भी मुझे खाली वक्त मिलता है मैं अपने पुराने गानों को फेयर करती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ, घर में गाती रहती हूँ काम के साथ साथ, और क्लासिकल की प्रैक्टिस कभी कभी कर लेती हूँ। फैमिली ने आपको सपोर्ट किया इसमें, मतलब सिंगिंग के लिए? फैमिली ने मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया, मैं क्लासेस लेती हूँ उसके लिए सपोर्ट है, और इस इकतारा में आने के लिए तो मेरे दोनों बच्चों ने कहा मम्मी आप जाइए, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत बकअप किया है, और बहुत खुश हुए बच्चे जब मेरा फर्स्ट ऑडिशन में मैं पास हुई। अच्छा, सिंगिंग में अभी आप क्या करना चाहती हैं? अभी और कुछ करने की सोची है आपने? बहुत कुछ, अभी तो कोई इच्छा पूरी नहीं हुई मेरी। अच्छा अच्छा